PowerPoint Object Linking और Embedding OLE टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इस फीचर के कारण अन्य एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को प्रेजेंटेशन में लिंक या एम्बेड किया जा सकता है। यदि ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन में एम्बेड किया गया है तो वो प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा बन जाता है। इस एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को तभी एक्सेस किया जा सकता है जब उस प्रेजेंटेशन को खोला जाए जिसमें से एम्बेड किया गया है। ऑब्जेक्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट्स, पिक्चर्स, क्लिप्स इत्यादि को प्रेजेंटेशन में एम्बेड किया जा सकता है। यदि आप ऑब्जेक्ट को लिंक करते हैं तो वो मूल या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ही स्टोर किया जाता है, जिससे यूजर्स को स्रोत या सोर्स पर ही ऑब्जेक्ट अपडेट करने की क्षमता प्राप्त होती है। पावरपॉइंट केवल उन ऑब्जेक्ट्स के प्रतिनिधियों को स्टोर करता है जो कि लिंक किए गए होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में बदलाव किए जा सकते हैं। हर समय जब आप लिंक को अपडेट करेंगे तो ये बदलाव उस एम्बेडेड ऑब्जेक्ट में दिखाई देंगे। इस तरह आप प्रेजेंटेशन के बाहर के ऑब्जेक्ट्स का OLE के प्रयोग द्वारा लिंक स्थापित करके उसे अपने प्रेजेंटेशन में और भी आकर्षक बना सकते हैं। दूसरे एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट का चयन करके उसे अपने प्रेजेंटेशन में पेस्ट किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट्स फिर प्रेजेंटेशन में एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ऑब्जेक्ट को एम्बेड करने के लिए उस ऑब्जेक्ट का चयन करें जिसे आप प्रेजेंटेशन में एम्बेड करना चाहते हैं। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल सी की दबाकर इस ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करें। अब पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में जाएं जहां आप उस ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार के पेस्ट आइकॉन का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड से पेस्ट करें। अब कॉपी किया गया ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन में एम्बेड हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसीजर के द्वारा भी ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंटेशन में शामिल किया जा सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप प्रक्रिया द्वारा ऑब्जेक्ट को इस प्रकार एम्बेड किया जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर में ऑब्जेक्ट का चयन करें, फिर उसे ड्रैग करके पावरपॉइंट विंडो पर ले जाएं। आप स्क्रीन पर इसके साथ ही साथ दूसरी एप्लीकेशन को भी दर्शा सकते हैं। दूसरे एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पावरपॉइंट स्लाइड पर ड्रैग करके लाया जा सकता है। प्रेजेंटेशन में एम्बेड किए गए ऑब्जेक्ट्स को एडिट भी किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए एम्बेडेड ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें। वो एप्लीकेशन जिसमें ऑब्जेक्ट बनाया गया है खुल जाता है और तब आप ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस यूजर्स को एम्बेडेड ऑब्जेक्ट इन प्लेस एडिटिंग के द्वारा उसे एडिट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार की एडिटिंग में पावरपॉइंट विंडो अस्थायी रूप से उन टूलबार्स और एप्लीकेशंस के मेन्यूज द्वारा हटा दी जाती है जहां वो ऑब्जेक्ट बना होता है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस अन्य एप्लीकेशंस के ऑब्जेक्ट्स के साथ भी लिंक हो सकती है। लिंक बनाने के लिए उस एप्लीकेशन को खोले जहां वो बना था और फिर उसे चुन ले। फिर एडिट के ड्रॉपडाउन मेन्यू से कॉपी ऑप्शन का चयन करें। फिर पावरपॉइंट में उस स्लाइड को खोले जहां आप ऑब्जेक्ट डालना चाहते हैं। स्टैंडर्ड मेन्यू बार से एडिट ऑप्शन का चयन करें। ये एडिट ड्रॉपडाउन मेन्यू दिखाएगा। फिर इस ड्रॉपडाउन मेन्यू से पेस्ट स्पेशल कमांड को चुनें। ये पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। इस डायलॉग बॉक्स से पेस्ट लिंक ऑप्शन को चुनें। ये पेस्ट लिंक ऑप्शन तभी उपलब्ध होगा जब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट इस लिंक को क्रिएट करने की अनुमति देता है। एस बॉक्स से जरूरी फॉर्मेट के प्रकार का चयन करें। अंततः ओके बटन पर क्लिक करके लिंक को क्रिएट करें। इस स्लाइड में ओरिजिनल या मूल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक स्थापित होता है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में बदलाव भी ला सकते हैं। ये बदलाव ऑटोमेटिकली ही लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स में अपडेट हो जाते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में दूसरे एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट्स को लिंक और एम्बेड किया जा सकता है। पावरपॉइंट ऐसे कई विकल्प उपलब्ध कराता है जिनका प्रयोग ऑब्जेक्ट्स को लिंक करने के लिए किया जा सकता है। लिंक ऑप्शंस का प्रयोग करने के लिए स्टैंडर्ड मेन्यू बार से एडिट ऑप्शन को चुनें। ये एडिट ड्रॉपडाउन मेन्यू दिखाएगा। मेन्यू से लिंक्स ऑप्शन का चयन करें। ये लिंक डायलॉग बॉक्स को खोलेगा। लिंक डायलॉग बॉक्स में 6 विकल्प उपलब्ध होते हैं और वे हैं ऑटोमेटिक, मैनुअल,
अपडेट नाउ, ओपन सोर्स, चेंज सोर्स, ब्रेक लिंक। ऑटोमेटिक ऑप्शन को चुनने पर जब भी प्रेजेंटेशन को खोला जाएगा तो ये हर समय लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स को अपडेट कर देगा। ये किसी भी प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। आप डायलॉग बॉक्स में मैनुअल ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। इस केस में लिंक्ड ऑब्जेक्ट हमेशा अपडेट होंगे जब लिंक डायलॉग बॉक्स के अपडेट नाउ बटन पर क्लिक किया जाएगा, या आप शॉर्टकट मेन्यू से भी अपडेट लिंक्स का चयन कर सकते हैं। अपडेट नाउ ऑप्शन को चुनने से आपके लिंक्स तुरंत ही अपडेट हो जाते हैं। इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे ऑटोमेटिकली या मैन्युअली बनाया गया है। आप ओपन सोर्स ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप उस एप्लीकेशन में जहां ऑब्जेक्ट को बनाया गया है उसका प्रयोग करके भी लिंक्ड ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। आपके पास चेंज सोर्स ऑप्शन भी हो सकता है। ये ऑप्शन लिंक को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यदि मूल डॉक्यूमेंट को मूव किया गया है। डायलॉग बॉक्स में ब्रेक लिंक ऑप्शन का प्रयोग ओरिजिनल और लिंक्ड कॉपी के बीच के लिंक को तोड़ने के लिए किया जाता है। एक बार जब आपने ओरिजिनल और लिंक्ड कॉपी के लिंक को तोड़ दिया है, ओरिजिनल में किए गए किसी भी बदलाव को आप कॉपी में नहीं देख पाएंगे। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की इमेज प्रेजेंटेशन में रहेगी। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में आउटलाइन भी इंपोर्ट की जा सकती है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में आउटलाइन इंपोर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड मेन्यू बार से फाइल का चयन करें। ये आपको फाइल मेन्यू दिखाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से ओपन ऑप्शन का चयन करें। ये ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। इस ओपन डायलॉग बॉक्स में फाइल ऑफ टाइप बॉक्स में ऑल आउटलाइन विकल्प का चयन करें। पावरपॉइंट में उपलब्ध सभी आउटलाइंस की सूची जिन्हें खोला जा सकता है दिखाई देगी। ये आउटलाइंस प्लेन टेक्स्ट फाइल्स और RTF यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल्स होती है। इस सूची से आप जरूरी फाइल का चयन कर सकते हैं। फिर ओपन बटन पर क्लिक करें। पावरपॉइंट सभी पहले स्तर की हेडिंग्स के लिए स्लाइड्स बना सकता है और फिर इंडेंटेड लेवल्स पर बॉडी टेक्स्ट को भी शामिल कर सकता है। इस तरह कोई भी फॉर्मेटिंग हमेशा वर्तमान स्लाइड मास्टर के फॉर्मेट जैसी ही होगी। वर्तमान प्रेजेंटेशन में आउटलाइंस को भी डाला जा सकता है। आउटलाइन डालने के लिए आप स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। पहले उस स्लाइड का चयन करें जिसके बाद आपको नई स्लाइड शामिल करनी हो। फिर स्टैंडर्ड मेन्यू बार से इंसर्ट चुनें। ये इंसर्ट मेन्यू दिखाएगा। अब इंसर्ट ड्रॉपडाउन मेन्यू में स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन ऑप्शन चुनें। ये इंसर्ट आउटलाइन डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। फिर उस फाइल का चयन करें जिसमें आउटलाइन शामिल हो और इंसर्ट ऑप्शन को चुनें। प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड के बाद स्लाइड डाल दी जाएगी।